Hi, I'm Ranju Varghese and I'm a choreographer और आप लोग मुझे देख रहे हो Cinespeaks पे. Hi Ranju, welcome on Cinespeaks. Congratulations. Thank you. धमाल हो रहा है खूब. एकदम धमाल. है ना? और आपने कोरियोग्राफी भी बड़ी धमाल की करी है. जी. तो कैसे हुआ ये ऑफर आपको? तो बेसिकली कुकी गुलाटी जो सॉन्ग वीडियो डायरेक्टर है इसका, तो उन्होंने मुझे बोला, आई हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी काम कर चुका हूँ उनके साथ. सो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि रंजू मैं, इट वाज जनवरी आई रिमेंबर लास्ट ईयर, एंड मेरा बर्थडे होता है जनवरी के दिन, जनवरी फर्स्ट एक्चुअली. सो बर्थडे विश करने के लिए उन्होंने कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को बेस्ट बर्थडे गिफ्ट देता हूँ, वी आर डूइंग टोटल धमाल एंड यू आर डूइंग द सॉन्ग्स. Okay. And that was the day, and आज here I am after the release of the song. Superb. तो हेलीकॉप्टर हीला से आपने डेब्यू कर लिया था बॉलीवुड में? नहीं नहीं नहीं, डेब्यू तो बहुत पहले हो चुका है. अच्छा. काफ़ी फिल्में, मेरी प्यारी बिंदु, क्या कूल है हम. अच्छा. I've done lot of films. Yeah, okay, great. हेलीकॉप्टर हीला वॉज अ डेब्यू, यू कैन से अजय देवगन फिल्म्स के लिए. सो अजय देवगन फिल्म्स के साथ फर्स्ट मेरी हेलीकॉप्टर आपका टाइम हुआ. हेलीकॉप्टर हीला एंड देन फिर दिस वन. ओके. तो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली आपने बहुत लोगों को नचा लिया है, तो आपको लगता है कौन इजीली नाचता है और किसके साथ थोड़ा सा टफ होता है ये काम? इजीली बेसिकली जो बहुत अच्छे डांसर्स हैं तो वो लोग तो दे डोंट लीव एनी स्टोन्स अनटर्न. वो लोग तो और इजीली नहीं होता, वो लोग तो और घुस जाते हैं. अच्छा. हाँ, मतलब क्योंकि दे उन लोग अपना एक बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, तो वो लोग फिर दे थिंक ट्वाइस कैसा दिख रहा हो, कैसा परफॉर्म कर रहा हो, कैसा स्टेप्स हो रहे हैं. सो ईजी नहीं होता एक्चुअली उनके साथ. हालांकि स्टेप्स पकड़ लेते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी दे आर कम्प्लीटली इन टू इट. सो ऐसा कोई ईजी चीज़ नहीं होता है. बट और टफ का ऐसा है कि बीइंग अ कोरियोग्राफर मुझे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं जिस एक्टर के साथ कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, जिस एक्टर के लिए, वो जो स्टेप्स मैं दे रहा हूँ वो उस एक्टर पे सूट होना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसीलिए मैं कोरियोग्राफी ऐसे ही डिवाइस करता हूँ कि वो एक्टर पे राइट लगे, और जब वो एक्टर पे राइट तभी लगता है जब वो एक्टर उस स्टेप्स के साथ कंफर्टेबल हो. तो स्टेप ऐसा डिफिकल्ट नहीं करते. तो इट इज़ फॉर देम ऑल्सो, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो ईजी और डिफिकल्ट की परिभाषा कुछ ऐसी है कोरियोग्राफी, और कोरियोग्राफर्स ऐसे ही सोचते हैं. मैं, मेरे अलावा बाकी कोरियोग्राफर्स भी ऐसे ही सोचते हैं, दे ऑल्सो फंक्शन लाइक दैट. तो कभी कुछ होता है कि आपने कुछ स्टेप बताया और उन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे करते, देन यू चेंज? एकदम ये तो होता ही है. ये okay. होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें मेरे बॉडी पे करेक्ट लगता है, मेरे असिस्टेंट्स की बॉडी पे करेक्ट लगता है, बट वो जो एक्टर उसे दर्शा रहा है उस पर शायद अच्छा ना लगे. सो वो दे आर ऑल्सो क्वाइट सेंसिबल टू अंडरस्टैंड दैट कि ये शायद गड़बड़ दिख रहा है. तो वो बोलते हैं कि इसकी जगह पे कुछ ये ऐसा हो सकता है क्या, एंड हाँ फिर हम लोग वो चेंज कर लेते हैं. लाइक मैं चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़ा एकोमोडेटिंग हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिंग. तो अगर आप कोरियोग्राफर नहीं होते तो क्या होते रंजू? कुछ नहीं होता. अच्छा, मतलब एकदम ब्लड में ही पूरा एकदम कंप्लीटली. मेरी मम्मी बोलती है कि मैं कुछ 3 साल की एज से डांस कर रहा हूँ. हाँ, एंड वो बहुत, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा पैशन प्रोफेशन बन गया. तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि ये उन्होंने मेरे साथ अच्छा काम किया है एक्चुअली. सो कोरियोग्राफी नहीं करता तो शायद कुछ नहीं करता मैं. तो फैमिली ने पूरा फुल ऑन एकदम सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था. उन लोगों ने कभी रोका नहीं कि ये मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे. हालांकि ऐसा एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मुझे एग्ज़ाम्स थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स थे और एक शो था. सो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं नहीं मैं शो के लिए जाऊँगा, दैट वाज बोर्ड्स. या एंड आई वेंट फॉर द शो. सो ऐसा भी हुआ है, बट पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव. और मैं, मेरा मानना है कि जब माँ बाप सपोर्ट करते हैं ना, तो आधा बैटल तो आप वही जीत लेते हो, चीज़ें अपने आप बन जाती है आपके लिए. सो दैट इज़ ऑलवेज बीन देयर विद मी. आपने मराठी सॉन्ग में भी कोरियोग्राफी करी है, तो मराठी आपको आती है? मराठी, मैं महाराष्ट्र में ही बॉर्न हुआ हूँ, मुंबई का ही हूँ. सो मराठी बहुत अच्छी तरह समझ में आता है. ईजी होता है उसको कोरियोग्राफ करना क्योंकि सॉन्ग की लैंग्वेज? हाँ हाँ, डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि आई अंडरस्टैंड मराठी. एंड द फिल्म दैट आई डिड वाज माउली, रितेश देशमुख वाली फिल्म. सो तो पूरी क्रू जो थी वो एक्चुअली बॉलीवुड के ही थे. तो एकोमोडेट हो गया मैं सब में. इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड. सो हाँ, वैसा ही है. तो अभी और कौन सी फिल्म्स आ रही हैं आपकी, जिसने आपकी? काफ़ी फिल्में आ रही है. अभी बॉडी करके आया हूँ मैं, मॉरिशस में शूट करके. बॉडी इज़, जिन्होंने दृश्यम बनाई थी वो डायरेक्टर की फर्स्ट हिंदी फिल्म है. इमरान हाशमी और ऋषि कपूर है उसमें. उसका गाना अभी जस्ट शूट करके आया. उसके अलावा नील नितिन मुकेश एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है.
उसके छोटे भाई है जो उनके छोटे भाई है जो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो जिसका नाम है बाईपास रोड, तो उसके सारे गाने मैं कर रहा हूँ। हालांकि कल उसी का एक गाना ख़त्म करके आया हूँ, बहुत बढ़िया गाना है वो भी। एंड देन आई एम शूटिंग फॉर ब्लैंक, जो करण कपाड़िया, ट्विंकल कपाड़िया का जो ट्विंकल खन्ना का जो कज़िन है, डिम्पल कपाड़िया का, सिंपल कपाड़िया का बेटा, ही इज़ गेटिंग लॉन्च, सो वो उसका गाना कर रहा हूँ। एंड काफ़ी कुछ है पाइपलाइन में, ताना जी का एक गाना कर चुका हूँ मैं। अच्छा। हाँ, अगेन अजय देवगन फिल्म, सो एक गाना हो चुका है उसका, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। तो कोरियोग्राफी में भी बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं आजकल, तो कैसे मिलना, मतलब जैसे कैसे आना आपके पास ऑफर, ये टफ हो जाता है बहुत कि किसको चुनना है, किसका सिलेक्शन करना है कोरियोग्राफर, तो आप कितने ब्लेस्ड हो इस मामले में? मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ। तो मैं एक्चुअली पहले बॉस्को सीजर नाम के कोरियोग्राफर है, उनके साथ काम करता था, उनका एसोसिएट हुआ करता था, कुछ तकरीबन 8 से 10 साल उनके साथ था मैं। तो एक दिन 2012 में मैंने सोच लिया कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, कोरियोग्राफर बनना है, और बस मैं निकल गया। कुछ था नहीं वैसे मेरे हाथ में, लेकिन सारी चीज़ें अपने आप, थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, सो मैं वाकई में काफ़ी ब्लेस्ड फील करता हूँ उस मामले में। और लेकिन ब्लेसिंग से आपको एक काम मिलता है, उसके बाद का जो काम मिलता है वो आपके काम से मिलता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि काम ठीक ठाक कर लेता हूँ, उस वजह से काम मिल जाता है। हाँ, तो हर इंसान जब बॉलीवुड में एंट्री करता है, ऑफ कोर्स एक ड्रीम के साथ एंट्री होती है। आपका कैसा कोई ड्रीम है बॉलीवुड में, या आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं खुद को यहाँ देखना चाहूँगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ सोचा है? मैं एक्चुअली, सब लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि यार अभी कोरियोग्राफी के बाद तो डायरेक्टर ही बनना होगा, तो मेरा जवाब एक्चुअली यही होता है कि नहीं, मुझे कोरियोग्राफी को जीना है अच्छे से एकदम, और वो कब ख़त्म होगा मैं बोल नहीं सकता हूँ। आई वॉन्ट टू डू दैट, और वो जो अंदर का पागलपन है वो बहुत जल्दी शांत होता हुआ, बुझता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मैं डायरेक्शन की तरफ तो खैर ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, कोरियोग्राफी करना है, और यही ड्रीम रहा है बचपन से ही। मतलब छोटा हुआ करता था तो टीवी पे वो खिलाड़ी का गाना, अक्षय कुमार वाली खिलाड़ी का गाना देख के मैं सोचता था कि यार ये सारे डांसर्स, ये लोग सब कहाँ करते हैं, कैसे इतने अच्छे से नाचे। वो काफ़ी छोटा था, 3rd-4th standard में रहूँगा, तो सोचते थे कहाँ करते हैं, कहाँ से होता है, मुझे भी यहाँ जाना है। तो मेरे दिमाग में हमेशा से वही चला है, वही सोच सोच के चलाऊँ तो वही रास्ता ऊपर वाले ने बनाते गए, और ये कोरियोग्राफर बन चुका। एक टाइम था जब 90s में था, या फिर जो भी था, मतलब अर्ली 20s जो भी आप कह सकते हो, उसमें था कि लिमिटेड एक्टर्स होते थे, लिमिटेड सिंगर्स, लिमिटेड कोरियोग्राफर्स होते थे। अब इतना ज़्यादा एक स्लॉट आ रहा है कि न्यू टैलेंट्स हो रहे हैं, डांस अकेडमीज ला रही हैं, फिर रियलिटी शोज़ लेके आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक सॉलिड कंपटीशन है, और उनकी वजह से जो पुराने कोरियोग्राफर्स हैं उनकी थोड़ी वैल्यू कम होती है? या फिर जैसे अरिजीत आ गए तो सोनू निगम और शान थोड़ा कम गाते हैं, या फिर वो आवाज़ें अभी भी हम सुनना चाहते हैं लेकिन अब वो सुनने को नहीं मिलती, तो ऐसा आपको लगता है कि कोरियोग्राफी में भी कुछ ऐसा वैसा होता है? मुझे क्या लगता है कि इट्स अ साइकिल, और हर साइकिल का एक पीरियड है एक इंसान का। या तो उसको खुद निकल जाना चाहिए उससे, या नहीं निकल जाएगा तो कोई और निकाल देगा, कोई और आपका जगह लेगा ज़रूर। तो वो हैपेंस इज, जो मेरे सीनियर कोरियोग्राफर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी सब आगे बढ़ चुके हैं टूवर्ड्स डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग, सो उन लोगों ने वो रूम बना दिया है हम लोगों को फिट होने के लिए। कल को शायद एक 10 साल 12 साल 15 साल के बाद मैं भी वो रूम बना दूंगा जो मेरे पीछे आ रहे हैं उनके लिए। वो करना ही पड़ता है, वो नहीं करते हो तो फिर आप अटक जाते हो, एंड दैट्स अ वेरी बैड फेज। वो होना नहीं चाहिए, यू हैव टू बी एम्बिशियस एंड यू हैव टू थिंक कि मैं अगला क्या करूँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। रही बात कॉम्पिटिशन की, कॉम्पिटिशन तो है लेकिन सारे सेगमेंट बहुत अलग है, जितना कंपटीशन है उतना ज़्यादा काम भी है, ऐसा नहीं कि काम कम है। इनफैक्ट अभी तो नया ट्रेंड शुरू हो गया वेब सीरीज़ का, 2 वेब सीरीज़ के गाने शूट करके आया हूँ मैं, वेब सीरीज़ में भी गाने आ गए। सो जितना कंपटीशन है उतना गाने भी, उतना काम भी, डिमांड भी हो रही है, उतनी डिमांड भी है। और रही बात रियलिटी शोज से जो कोरियोग्राफर्स आते हैं, खैर वो लोग जो रियलिटी शोज से कोरियोग्राफर आ रहे हैं, दे आर, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, आई डोंट नो दैट, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी हैप्पी डूइंग दैट, दैट्स व्हाई दे आर देयर। एंड हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं ना, वो बहुत शार्प है,
बहुत स्मार्ट है. हमारे इधर कोरियोग्राफर सिर्फ कोरियोग्राफर नहीं होता है, उसको बहुत कुछ करना होता है, खाली स्टेप नहीं देना होता है. तो हमारे जो फिल्म के डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं. तो वो रियलिटी शो के कोरियोग्राफर को तुरंत उठा के गाना नहीं देगा, बट वो एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर जो किसी बड़े कोरियोग्राफर का असिस्टेंट रह चुका है 5-8 साल, उसको ज़रूर देगा. क्योंकि वो जो एक फॉर्मेट है, उस दायरे में काम करना बहुत ज़रूरी होता है. मतलब जैसा मैं बता रहा हूँ, पैसा पैसा दैट वुड बी नथिंग लेस देन 1.5 करोड़ सॉन्ग. 1.5 करोड़ का गाना जब एक कोरियोग्राफर के कंधे पे रख रहा है कोई प्रोड्यूसर, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि अनएक्सपीरियंस्ड हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, या जिसने ये चीज़ समझा नहीं है उसके हाथ में, तो कभी नहीं देंगे. तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आर क्वाइट स्मार्ट टू नो किसके हाथ में ये चीज़ जाना चाहिए. तो किसके साथ किसको नचा के सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आया, और ऐसा कोई एक्टर जिसको आप डांस करवाना चाहते हो या एक्ट्रेस? मैं सबसे ज़्यादा, मतलब ये ड्रीम कम ट्रू था पैसा पैसा मेरे लिए, बिकॉज माधुरी दीक्षित को नचाना, दैट इज़, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे अवार्ड चाहिए, मन में सोचता हूँ अवार्ड चाहिए, अवार्ड से रिकग्निशन ज़्यादा मिल जाता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अवार्ड मिल चुका है मुझे. माधुरी दीक्षित को नचा दिया मैंने, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है. सो दैट वॉज द बिगेस्ट ड्रीम टू हैपन. इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है. और आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, मैं माधुरी दीक्षित से पहले श्रीदेवी जी के साथ भी एक ऐड कर लिया, तो उनके साथ एक कोरियोग्राफी हो चुकी थी, और जस्ट इस दोनों फिल्म के बीच में काजोल के साथ. सो मैं आई डोंट नो, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद दीज एक्ट्रेसेस जो अपने आप में बहुत बड़े, दे आर वेरी बिग. उनका जैसा, मैं काजोल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ हर्स. पहले नहीं था, इला करने के बाद से हुआ. शी इज़ सो अमेजिंग. मतलब वो इतनी ग्रेट एक्ट्रेस है, इतनी ग्रेट परफॉर्मर है कि आप देखते रह जाते हो उसको. सो मेरे लिए चीज़ें बहुत राइट सेट हुआ है ऐसा लगता है मुझे, श्रीदेवी जी, काजोल, माधुरी. सो ड्रीम तो पूरा हो गया माधुरी जी को नचाने का. इसके अलावा जो किसी के साथ मैं करना चाहता हूँ, वो शाहिद कपूर. Okay. I really want to. I feel Shahid is a very, very good dancer. Shahid Kapoor. And one more name I would say, जो लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया है, शायद कोरियोग्राफर्स ने किया होगा, रणबीर कपूर जो है, he is a very good dancer. He is brilliant. मतलब वो जैसा ग्लास में आप पानी डालते हैं तो पानी वो ग्लास का रूप लेते हैं, वैसा ही है रणबीर कपूर. उसको जहाँ डालोगे, जो स्टेप्स दोगे, वो आपसे बेहतर करके दिखा देगा. दैट इज़ रणबीर कपूर. सो दीज टू एक्टर्स आई रियली वांट टू कोरियोग्राफ फॉर. उनका बदतमीज दिल पे डांस अमेजिंग था वो अभी तक. या बहुत अच्छा है. बदतमीज दिल हो या ब्रेकअप सॉन्ग था, बहुत इज अमेजिंग. मैंने काम कर चुका हूँ वैसे रणबीर के साथ, लेकिन मैंने एक ऐड किया था ISL का. Okay. तो जियो फुटबॉल का ऐड था. Okay. वो किया था, बट प्रॉपर कोरियोग्राफी वाला गाना नहीं किया है मैंने, जो करना चाहता हूँ. सुप्रीमली हैप्पी बींग अ कोरियोग्राफर, एंड आई रियली वॉन्ट टू गो ऑन, आई वॉन्ट टू डू दैट. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे मिनिमम 1500 गाने कोरियोग्राफ करने हैं, 1500 सॉन्ग्स. उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कुछ और करने का. सो आई एम दैट मैड अबाउट सॉन्ग्स. या तो ऑलरेडी डांस के फॉर्म्स बहुत सारे हैं, तो कुछ ऐसा और भी है जो आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, या कुछ लगता है कि एक ये ऐसा फॉर्म भी होना चाहिए? या फिर क्रिएट डांस फॉर्म्स नहीं होते, क्रिएट डांस स्टाइल्स होता है. हर जैसा मैं एक एज एन इंडिविजुअल, मेरा बॉडी से एक स्टाइल निकलेगा जो मेरा अपना होता है. सो वो डांस स्टाइल्स क्रिएट होते हैं. डांस फॉर्म्स तो खैर काफ़ी है, बहुत सारे हैं जो सब लोग टच भी नहीं कर सकते. हालांकि मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे इंडिया में जितने डांस फॉर्म्स हैं उतना कहीं भी नहीं है. मैं फोक को बोलूँगा, हर स्टेट में अपना एक डांस फॉर्म है. जैसे मैं अभी अंडमान गया हुआ था एक शूट के लिए. सो अंडमान के ट्राइब्स पे था वो. सो अंडमान का एक ट्राइबल डांस था जो मैंने गाने में कल ही रिलीज हुआ है जी, रिचा चड्डा वाला. वी सॉ दैट यस्टरडे. तो अंडमान के ट्राइबल, उसमें मैंने एक कोरियोग्राफी की है जो अंडमान के ट्राइबल्स करते हैं. ओके. सो मतलब अगर आप इंडिया के अंदर ही ढूंढने जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप गिन पाओगे, इतना सारा है. सो इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं. और बीइंग अ कोरियोग्राफर मुझे वर्सटाइल होना पड़ता है, बिकॉज मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता हूँ एक डांस फॉर्म को लेके. जैसा मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक डांस स्टाइल है, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं कोरियोग्राफर होके मैं एक स्टाइल नहीं बात कर सकता हूँ. आई हैव टू बी वर्सटाइल टू डू 10 things, एटलीस्ट टू शो कि मैं ये कर सकता हूँ. तो उसके साथ ही मेरा काम जुड़ा हुआ है, तो आई कांट बी चूजी अबाउट एनी डांस फॉर्म. या तो कोई गॉडफादर है आपका इंडस्ट्री में? गॉडफादर ऐसा तो नहीं है, बट मैं
कुछ लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनमें से एक नाम लेना चाहूँगा जो है प्रदीप सरकार, जिन्होंने जो डायरेक्टर प्रदीप सरकार है, जिन्होंने एक एक मतलब जब शुरू किया था ऐसे ही मैं उनके ऑफिस चला गया और उनको बोला कि सर मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ और देखिए अगर आप मुझे कहीं फिट कर सकते हो। बस दो दिन में उनका कॉल आ गया मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए। तब से ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, 2013 से लेके आज ये 2019 आ गया है। अब मेरे अलावा उन्होंने किसी और के साथ काम नहीं किया है। सो दादा आई रियली लव हिम। फिर जिन्होंने मुझे ये गाने दिलवाए, पैसा पैसा और स्पीकर फट जाए, कुकी गुलाटी, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं मिलने गया था इनके ऑफिस में और बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई। इनके सारे गाने मैं ही करता हूँ, हमेशा मुझे बुलाते हैं। सो ये दो लोग हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरे लाइफ में। इनके अलावा मैं अजय देवगन का एक ख़ास जिक्र करना चाहूँगा। वो इतनी बड़ी फिल्म थी टोटल धमाल, वो चाहते तो बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, बड़े नाम हैं, वो चाहते तो किसी को भी दे सकते थे। छोटी फिल्म नहीं है कि चलो ठीक है एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत बड़े नाम है। बट उन्होंने पूरी तरह, जैसे इंदू जी ने और कुकी जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अजय सर से, उन्होंने मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तू कर ले। सो ही इज़ बीन वेरी पॉजिटिव। तो उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर इला, टोटल धमाल, ताना जी का एक गाना दिया, तो गॉडफादर नहीं बोलूँगा बट मैं उनको बॉस बोलता हूँ, बिकॉज वो है ही इज़ सच अ जेम। मतलब मैं उनसे सीखने मिलता है, मैं मुझे ऐसा लगता है एक इंसान को कुछ सीखना है ज़िंदगी का सलीका, कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। ही इज़ वेरी बिग, ही इज़ मैसिव, बट वो इतने डाउन टू अर्थ है, इतने ग्राउंडेड है, इतने प्यार से लोगों को ट्रीट करते हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया सब लोग उनको बॉस बुलाते हैं बट वो ऐसे ही नहीं बुलाते हैं बॉस। उनके अंदर वो क्वालिटी है कि सामने से आदमी बॉस ही बुलाएगा, ही इज़ दैट गुड। सो ही इज़ अनदर स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ आई फील। या मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे देश में एक धमाल आज भी हुआ है, हाँ। और जो था सर्जिकल स्ट्राइक 2 वीकेंड से, हाँ। तो उस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली। मैंने सुबह एक्चुअली मेरी वाइफ बेडरूम में भागते हुए आई और बोला कि पाकिस्तान पे इंडिया ने स्ट्राइक किया है, और मैं नींद में था, मैं धड़ाक करके उठ गया। अच्छा लगता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत थी, जैसे जिनकी फैमिलीज़ में मिसहैप हुआ है ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसका रिटेलिएशन भी आएगा। चीज़ें अभी इतनी आसान नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, थिंग्स वुड गेट बिटर आई फील। उसके लिए आई डोंट नो हाउ आवर गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू सिक्योर एवरीबॉडी, सिक्योर द नेशन आई वुड से। इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। मतलब मैं सब जगह ट्विटर पर देख रहा हूँ, एवरीबडी इज़ हीलिंग फॉर वॉट इज़ हैपेंड, बट देन आई फील देर वुड बी रेपरकशंस ऑफ वॉट इज़ हैपेंड। लेकिन खैर कितना सहेंगे, कितना चुप रहेंगे, वो भी बात हो जाता है कि हिंदुस्तान कुछ करता नहीं है, चुप रहता है, तो चलो करते जाते हैं। दिस इज़ द हाई टाइम। ये एक जवाब तो मुझे ऐसा लगता है पत्थर भी उठ के दे देगा। तो खैर हम तो सब इंसान हैं यार, कितना सहेंगे। तो वो हुआ है, लेकिन इसका रेपरकशंस क्या होगा, वी कैन ओनली प्रे फॉर द बेस्ट आई फील। या तो कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज दे दीजिए। व्यूअर्स के लिए मेरा मैसेज होगा कि ड्रीम बिग, थिंक बिग, स्लीप बिग, जो करना चाहते हो बस वही करो, वही चुनो, वही दिमाग में भर के रखो सोते वक्त, जागते वक्त, और जो चाहते हो आप वो 100% होगा। मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं सोते जागते जो मैंने चाहा है वही देखता हूँ। मैं एक वर्ल्ड बना देता हूँ मेरे दिमाग के अंदर और मैं वो देखता हूँ और वही होता आ रहा है मेरे साथ, वो आपके साथ भी होगा। सो नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यस यू कैन डू इट। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।